कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा द्वादश, विषय है नैतिक योग एवं शारीरिक शिक्षा, पूर्णांक 50, समय 3.25 घंटे और यह सेट वन होगा पहला पेपर। अगर आप चाहते हैं कि बहुत से पेपर हमें मिले, ज़रूर हम आपके विद्यालय में मैच करें, मतलब पूरा पूरा वही पेपर मिले, तो निश्चित जान लीजिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आप नवीन छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपको कई पेपर मिलेगा कई सेट में जो आपके विद्यालय में बिल्कुल वही हूबहू पेपर आएगा, उसके लिए आपको शेयर करना है अधिक से अधिक। बाकी तो मॉडल पेपर है ही है, देख रहे हैं बिल्कुल वही पेपर आएगा, 15 पेपर डालेंगे तो कोई ना कोई आपके यहाँ मैच करेगा, बताना कौन सा मैच कर रहा है। ये निर्देश आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुविकल्पी प्रश्न है, लक्ष्मी हथेली में स्थित है कहाँ, मूल भाग में। दूसरा है इंग्लिश वाला, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम देख रहे हैं। राइफल मैन संजय कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, हिमाचल। अगला क्वेश्चन है योग शब्द की उत्पत्ति हुई युज धातु से। अगला है बाल्यावस्था के लिए निषेधित व्यायाम अधिक वजन उठाना, देख रहे ना। अगला पांचवा है सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन के लिए कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 कैलोरी। अति लघुत्तरी प्रश्न है, सभी एक एक नंबर के हैं, देख रहे ना, नंबर डिवाइडेड भी किया गया है। पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी, बिश्नोई समाज के गुरु का क्या नाम था, योग से क्या लाभ है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा लिखना है, देख रहे हैं ना। टूटे हुए धागों को जोड़ने से क्या पड़ जाती है, बहुत सरल है, आप हर जगह पढ़े होंगे, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, देख रहे ना। और फिर क्या है रहम, क्या कहते हैं, टूटे सुजन वो क्या, धागा टूटने, टूटे हुए धागों को जोड़ने से गांठ पड़ जाती है, कहने का मतलब है, वो श्लोक हमें याद था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका है, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर ही आए, ऐसा है। अगला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर है हाथों में माँ सरस्वती क्या धारण करती हैं, हाथों में माँ सरस्वती क्या धारण करती हैं, तो आप बीड़ा धारण करती हैं। बाल्यकाल में शिवजी क्या सोचते थे, देख रहे ना। अगला है छोटे बच्चों को किस प्रकार के खेलों में भाग लेना चाहिए। अगला है प्रोटीन कार्य लिखिए, प्रोटीन के कार्य लिखिए। लघुत्तरी प्रश्न है श्री कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे, विद्या रूपी धन किसने प्राप्त किया, बुद्धि क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, कठोर कार्य करने वाले व्यक्ति की कितनी कैलोरी प्रति घंटा खर्च होती है, देख रहे ना। 7 दीपों के नाम लिखो, किशोरावस्था में बालिकाओं के प्रस्तावित व्यायाम क्या हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, देख रहे ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक बार हृदय संकुचन में कितना समय लगता है, खेलों में मादक पदार्थों के प्रयोग के कारण लिखिए, कैसे जीवन के लिए माँ से प्रार्थना की गई है, देख रहे ना। विस्तृत उत्तरी प्रश्न है संतुलित आहार की प्रमुख विशेषताएं बताओ, बिश्नोई समाज के लोगों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बालक एवं बालिकाओं के प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, देख रहे ना। अगला है अथवा परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए, देख रहे ना। अब अगर आपको वीडियो देख रहे ना, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।